है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद एसपी कार्यालय पर चूड़ी श्रमिकों सेवा योजकों में हुई समझौता वार्ता, कई अहम बिंदुओं पर बनी सहमति। जी हाँ, अब हड़ताल पूरी तरह खुलने के आसार। और यह भी बताया कि प्रत्येक कारखानों में श्रमिकों के वेतन का भुगतान होगा ऑनलाइन। विगत कई दिनों से चल रही चूड़ी श्रमिकों की हड़ताल को लेकर आज एसपी सिटी कार्यालय पर चूड़ी जुड़ाई श्रमिक पक्ष व सेवा योजक पक्ष के बीच एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में वार्ता हुई, जहां चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की ओर से कांच एवं चूड़ी उद्योग मजदूर संघ, फिरोजाबाद संबंध भारतीय मजदूर संघ से शंकरलाल, धर्मवीर शर्मा, रमेश चंद्र भंडारी, मोहम्मद इस्लाम संरक्षक, दिग्लास इंडस्ट्रियल सिंडिकेट फिरोजाबाद आदि मौजूद रहे। मांगों में कई बिंदुओं पर सहमति बनी, जिनमें उप प्रशासन द्वारा चूड़ी जुड़ाई कार्य में लगे हुए श्रमिकों के लिए प्रति 100 तोड़े पर धनराशि 2050 वर्तमान वर्ष के लिए लागू की गई है। इसके लिए 1 मई 2019 से लागू कर दिया जाएगा। जहां तक चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में शामिल श्रमिकों को सर्वे का विषय है, इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त द्वारा उप श्रमायुक्त एवं शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा और चूड़ी के प्रत्येक कारखानों में श्रमिकों के वेतन का भुगतान ऑनलाइन किए जाने पर सेवा योजक पक्ष सहमत हुआ। अन्य कई मांगों पर भी सहमति बनी। मैं आज एसपी सिटी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब दोनों यहाँ मौजूद रहे और इनके एलआईयू द्वारा हमारे पास सूचना गई थी और इसलिए गई थी कि शहर की जो कानून व्यवस्था है और ख़ास तौर से मजदूरों के बीच ये कैसे बहाल हो, कैसे यहाँ के मजदूर जो काम पर नहीं पहुँच रहे हैं किस तरह से ये काम पर पहुँचें। एक महीने से फिरोजाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी जुड़न समस्या चूड़ी की जुड़ाई वालों की चल रही है। इस समस्या को एएलसी साहब के यहाँ निदान भी किया गया। कुछ हमारे जो नेता हैं उन्होंने, जो पहले के नेता ने हड़ताल कराई थी, उनके विरोध में कुछ, उनके फेवर में कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए जिससे कि उनको समाधान मंजूर नहीं हुआ। आज एसपी सिटी और हमारे जिला मजिस्ट्रेट सीओ साहब, यहाँ सभी बड़े भाई उपस्थित हैं और मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि मैं, जो हमारे श्रमिक भाई बहुत परेशान हैं, जो भूख हड़ताल पर 15 अप्रैल से चल रही है, उसको मैं ख़त्म कराने के लिए बहुत अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द मजदूर अपने काम पर वापस आएँ और जो भी हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने समस्याएं रखी हैं उन समस्याओं का मैं समाधान करूँगी और अपनी इस श्रमिकों की बातों को लेके और समस्याओं को लेके मैं सरकार तक इस शासनादेश को कहाँ तक पहुँचाऊँगी। देखिए, जो मीटिंग हमने रखी थी यहाँ पर, वो जो कांच चूड़ी उद्योग से जुड़े हुए सभी संगठन हैं उनको बुलवाया गया था और उन सभी से वार्ता की गई थी। इससे पूर्व उनके द्वारा एक समझौता किया गया है जिसका अक्षर से पालन कराया जा रहा है। अभी पीछे 2-3 दिनों से छुटपुट लॉ एंड ऑर्डर के मैटर्स हो रहे थे, इनको संज्ञान में लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के साथ एक बैठक हम लोग मैंने मिलकर के जो है उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की थी। इसमें सभी श्रमिक संगठनों ने काम पर वापस जाने के लिए और श्रमिकों को ये कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ना क्रिएट करें और किस तरीके की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ना करें उसके लिए आश्वासन दिया है। हम आशान्वित हैं कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर हमेशा यहाँ फिरोजाबाद में मेंटेन रहा है, उसी प्रकार से ये जिम्मेदार श्रमिक संगठन के जिम्मेदार नेताओं के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है ये इसका पालन कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं इनकी जो अभी निकल करके आई हैं उनका अच्छे से समाधान सुनिश्चित होगा। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल। यहां 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, स्टेटमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, डॉक्टर शिखा जैन। पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।